नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ मैन हैज फॉलन इन टू अ डिच ऑफ विद डी एंड टू ऑफ हज फ्रेंड्स आर स्लोलिंग पुलिंग एम आउट यूजिंग अ लाइट रोप एंड टू फिक्स पुलिस एज शोन इन द फिगर शो दैट द फोर्स अज्यूम्ड इक्वल बाय बोथ फ्रेंड्स एग्जर्टेड बाई ईच फ्रेंड ऑन द रोप इंक्रीज एज द मूव एज द मैन मूवज अप सेकेंड पार्ट ए फाइंड द फोर्स वेन द मैन इज एट अ डेप्थ ऑफ एच ऑल सो स्नैरियो ये है कि ये आपका एक डिच है गड्ढा है उसमें आपका एक बंदा नीचे गिर गया है और दो फ्रेंड जो हैं उसको पुल कर रहे हैं ठीक है so, सो ऐसे करके पुली लगा के ये दो बंदे यहाँ से उसको खींच रहे हैं और लेटस से यहाँ पे ऐसे एक बंदा है जो कि ऐसे वो हैंग कर रहा है ठीक है और लेटस से यहाँ पे ये जो एंगल है एंगल यहाँ पे थीटा एंगल ये बन रहा है ऐसे ठीक है इसको एक काम करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इल बी ईजियर सो ये आपका स्नैरियो है कि ये आपकी ये आपका बंदा है और लेटस से ये एंगल थीटा है ये एंगल थीटा है और यहाँ पे आपका एक फ्रेंड है जो इसको खींच रहा है अपनी तरफ ऐसे करके और यहाँ पे दूसरे फ्रेंड ने इधर फोर्स लगा रखा है ऐसे करके फोर्स इससे खींच रहा फोस, फोस यह है एफ फोर्स एफ फोस ये है ये एंगल थीटा है ठीक है और ये आपका तीसरा पर्सन है ये इसका मास एम है अरे हम दिस इज द हो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि जैसे जैसे ऊपर आएगा आपका फोर्स बढ़ता चला जाएगा ना इस केस में अगर हम इस इस वाले बंदे एफ बी डी अगर बनाएं तो इसका एफ बी डी कुछ ऐसे बन सकता है कि ये आपका पर्सन नीचे मास एम जी और उसके ऊपर दो फोर्सेज यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं एक एफ और एक एफ इधर ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा और यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट आएगा ये आपका हो गया एफ़ साइन थीटा और ये एफ़ साइन थीटा ना ये दोनों फोर्सेज दे विल कैंसल ईच अदर आउट तो वर्टिकली आपके फोर्सेज रहेंगे हॉरिजोंटल वाले दोनों फोसेज आपके यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो उसका नेट फोर्स है टू एफ़ थीटा विल बी इक्वल टू एम जी विच एम्प्लाईज आपका जो एफ है दैट विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई टू कॉस्ट सीटा नाउ अब कॉस्ट सीटा के बारे में हमें पता है कि जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज़ होता है आ, थीटा इंक्रीजेस कॉस्ट सीटा की जो वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज होती है ठीक है सो जीरो डिग्री के ऊपर ये वैल्यू आपकी वन होती है और सिमिलरली जब ये आपका 90 डिग्री पहुंच जाता है तो ये वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाती है ठीक है तो इसका अगर कॉस्ट सीटा का डायग्राम अगर आपको याद है तो इस तरह से डायग्राम बनता है सो तो ये आपका जब जीरो डिग्री है तो ये आपका जो कॉस्ट थीटा है कॉस्ट सीटा उसकी वैल्यू वन है और धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है जैसे थीटा आपका यहाँ पे इंक्रीज़ होता है ये आपका थीटा है तो उस केस में कॉस्ट थीटा इंक्रीज होएगा विच एम्प्लाईज़ आपका थीटा जैसे जैसे इंक्रीज़ होएगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होएगा कॉस्ट थीटा कम होएगा और एफ आपका इंक्रीज होएगा ठीक है सो इस फैक्टर से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बंदा ऊपर जाएगा इनको ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी इनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना अब सेकेंड पार्ट ये है कि लेट्स से बंदा इज एट अ डेप्थ ऑफ एच हमें बताना है कितना फोर्स ये दोनों यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे और कंडीशन ये है कि दे आर पुलिंग हिम स्लोली नाउ स्लोली का मतलब ये है कि उस केस में हम एक्सलेशन जीरो मान सकते हैं नाउ फॉर द सेकंड पार्ट क्वेश्चन से इज फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ एच नाउ Uh, ये अपनी जो डिच uh, है uh, जो अपना गड्ढा है उसकी वेट थे डी तो दैट मीन्स ये वाला पोर्सन जो है ये आपका डी बाय टू हो गया और ये जो हाइपर है आपकी ये हो जाएगी दिस हाइपर विल बी क्योंकि ये हाइट आपकी एच है ये डी बाय टू है सो दिस विल बी एच स्क्वायर प्लस डी बाय टू का स्क्वायर ये आपका हाइपर हो जाएगा ना इसमें अगर हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो फोर्स एफ विल बी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस सीटा ना सीटा विल बी इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय है बेस है यहाँ पे अपना एच डिवाइडेड बाय है दैट विल बी एच स्क्वायर प्लस डी बाय टू का स्क्वायर ना इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना फोर्स आ जाएगा सो so ये अपना बचेगा एम जी डिवाइडेड बाय टू एच और ये जो पोजिशन है ये आपका हो जाएगा फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और नहीं ये ऊपर चला जाएगा uh, ये आपका बन जाएगा एच फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसका टू नीचे आ जाएगा सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय टू तो फाइनल आंसर जो अपना बन जाएगा uh, वो हो गया फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय फोर एच अंडर रूट ऑफ फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम